Dear student and my friends, good morning. How are you? I hope you are better. Today topics भी कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने में बहुत सारे वर्ड मीनिंग हम लोग मिस कर जाते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है, तो सही उच्चारण के लिए हम लोग जानेंगे। सिंपल सी भाषा में क्या बोलता है कि बी है, बी कहाँ साइलेंट होता है, क्वेश्चन यही है ना, बी कहाँ साइलेंट होता है। तो बता देते हैं, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता हो, बी एम के बाद आता हो तो क्या होता है, वहां पे साइलेंट पड़ते हैं। पहला नंबर, जैसे एग्जांपल में बी ओ एम बी, ठीक है, बम हो गया, लेकिन इसको बम नहीं, बम पढ़ते हैं, ठीक है, बम, इसके बम पढ़ते हैं, तो बी यहां पे साइलेंट हो गया। अगर उसी तरह कम्ब, तो कॉम पढ़ते हैं, यहां पे बी साइलेंट हो गया, ठीक है। अगर वहीं पे थम की बात करें तो ये थम, बी क्या हो जा रहा है, आप देख रहे हैं यहां पे हमने लिखा कम्ब, लेकिन ये पढ़ाता क्या है, बम, ठीक है, हमने लिखा क्या, बम, बट पढ़ाता क्या है, बम, यहां लिखा कम्ब, बट पढ़ाता क्या है, कोम, ठीक है, यहां लिखा थम्ब, बट पढ़ाता क्या है, थम। सिंपल सा ये, आप अगर ये याद रखिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसी में बोलता है अगर बी से पहले टी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। दूसरा में अगर बी से पहले टी आता हो तो भी वहां वो साइलेंट हो जाता है। जैसे डेट डेट डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट आपने देखा यहां पे टी क्या है, बी से पहले टी आता तो सीधे इसको डेट डी ई बी टी, तो टी से पहले आपका क्या है बी, और बी से सॉरी बी टी से पहले आता, सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, और बी टी से पहले आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। तो यहां टी से पहले बी आया तो बी साइलेंट हो गया, ये लिखा हुआ है क्या डेट, बट पढ़ाता क्या है डेट, ये लिखा हुआ है डॉट, पढ़ाता क्या है डॉट, यहां पे बम, बट पढ़ाता क्या बम, ठीक है, एम के बाद और टी से पहले की कहानी है। सिंपल सा आपको समझ में आ गया और आसानी से आप इस टाइप का वर्ड को बना सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक्स था कि बी कहाँ साइलेंट होता है, तो ये ध्यान में रहेगा, जब आप वर्ड पढ़िएगा तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, तो आप उसको सही उच्चारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।